सब्सक्राइब कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को नियम बता दिए थे, टेंस संबंधी परिवर्तन बता दिए थे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बता दिए थे और एक दो एग्जांपल भी बता दिए थे। सिंपल रूल होते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सेकंड नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग और टेंस संबंधी परिवर्तन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रही हूँ, राम इज reading a novel। एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है, अपने को इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए नोवेल, अब यहाँ टेंस की पहचान करो, देखिए कौन सा टेंस है, इस आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज है, चेंज किस में हो जाएगा, टेंस संबंधी परिवर्तन। कल मैंने आप लोगों को सारणी बताई थी, तो कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा लेकिन इसमें बीइंग बाहर निकल जाएगा। तो ए नोवेल सिंगुलर नाउन है, तो क्या आएगा, इज बीइंग। अब मैन वर्ब की मैंने बताया था एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब चाहे कोई सा ही सेंटेंस हो उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड 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 रीड। बाई ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का, और अब सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया राम। तो सेंटेंस बन गया है, ए नोवेल इज बीइंग रीडिंग बाय राम। मैं आप लोगों को टेंस संबंधी परिवर्तन एक सिंपल सा नियम बता देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ी सारणी आप लोगों को याद नहीं होगी, तो इसमें नेक्स्ट टेंस की मतलब की हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रत्येक के मैंने फोर पार्ट बताए थे, अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, अगर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज किस करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस में बीइंग बाहर निकल जाता है और अदरवाइज सारे टेंस वन टू वन आगे से आगे चलते रहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसमें कंटिन्यूअस में ही रहेगा और बीइंग बाहर निकल जाएगी। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस नो पैसिव। वैसे ही पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है इसलिए उसमें बीइंग बाहर निकल जाएगा, पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, ऐसे ही फ्यूचर में हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वी मेड हिम फूलिश, We made him foolish। अब इसको एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हिम के देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है, अगर इसको ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सिंगुलर आगे सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताए थे, तो ही का ही हिम हिज होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव रूप है, इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ देखो कौन क्या है, टेंस की पहचान करो, देखिए कौन सा टेंस है इसमें, मेड, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, अब सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज में लिया जाता है, वॉज, वी वॉज मेड, वी वॉज मेड foolish। अब ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई। अब यहाँ देखो वी सब्जेक्टिव है, इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैंने वी का बताया था, वी अस आवर, तो यहाँ आ जाएगा अस। तो आप लोगों का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ही वॉज मेड फूलिश बाई अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
I like your behavior. I like your behavior. चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो योर बिहेवियर यूं क्यों आ जाएगा. अब यहां पर टेंस देखो, देखिए कौन सा है लाइक. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी ये इसका यूज किस में किया जाता है, सिंगुलर नाउन में प्रेजेंट सिंपल के साथ. अब यहाँ देखो क्या है आई, मैंने आई के लिए जब टेंस पढ़ाया था तब बताए थे आई को प्रेजेंट टेंस में प्लुरल नाउन माना जाता है. तो यहाँ पर आई के साथ ऐसे यस नहीं लगा हुआ, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है. चेंज किस में हो जाएगा, कंटिन्यूस में. तो योर बिहेवियर इज, अब लाइक की थर्ड फॉर्म आएगी लाइक्ड, liked. टेंस के लिए मैंने बताया था कि चाहे कोई सा भी हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाएगा. ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, बाय का. अब आई यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप है इसका, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई मी माई बताया था मैंने, तो क्या हो जाएगा मी. तो ये आप लोगों का बन गया है योर बिहेवियर इज लाइक बाय मी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज, वही ये कंटिन्यूस का है, राइटिंग ए स्टोरी. राम इज राइटिंग ए स्टोरी, वही है ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ए स्टोरी. अब यहां पर देखो टेंस की पहचान करो कौन सा है, इस आर एम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, तो चेंज किस में हो जाएगा, कंटिन्यूस में ही रहेगा लेकिन इसमें क्या बाहर निकल जाएगा, बीइंग बाहर निकलेगा. तो ए स्टोरी सिंगुलर नाउन है, इज बीइंग. अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो राइट रोट रिटर्न बाय राम. तो आप लोगों का एक्टिव से पैसिव बन गया, ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय राम. ये आप लोगों को जब आएगा, जब आप लोगों को टेंस पहचानना आएगा. इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को जो मैंने टेंस पढ़ाया था वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए. अब इसमें कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, उनको लिखना ज़रूरी नहीं होता है. जैसे यदि एक्टिव वॉइस के कोई वाक्य में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो उसको पैसिव बनाते वक्त उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता है. उसको एक्टिव से पैसिव बनाते तो पैसिव वॉइस के वाक्य में नहीं लिखा जाता है. अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसे पीपल, दे, ऑल ऑफ देम, वी, समबडी, समवन, वन एटसेट्रा. अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है. अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से है, जैसे पीपल, मैनी, समवन, एनीवन, एवरी एटसेट्रा. ये ऐसे सब्जेक्ट, ये ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, अगर इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाए तो लिखना इनको ज़रूरी नहीं होता है. एग्जाम्पल है
many people take tea. Many people take tea in the morning. आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है मैनी पीपुल टेक टी इन द मॉर्निंग. अब इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर टी, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे टी. अब यहाँ देखो टैग ऐसे इसे लगाया नहीं हुआ तो प्रेजेंट सिंपल है, इसको चेंज किस में करेंगे कंटिन्यूस में. तो टी इज, अब मेन वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, थर्ड फॉर्म का टेकन, टेकन इन द मॉर्निंग. और यहां से इसको हटा दिया जाएगा, मैनी पीपल को हटा दिया जाएगा. अब आगे है डबल ऑब्जेक्ट वाले. किसी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्टिव, डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे. डबल ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में अगर डबल ऑब्जेक्ट ही, डबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसके दो पैसिव बनाए जा सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. इसमें इनडायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई भी थिंग होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी रिलेटिव पर्सन होता है. जिसमें सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले अपने को पहचान करना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई भी थिंग आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी थिंग, एनीथिंग मतलब कि कोई भी चीज का नाम, कोई भी वस्तु का नाम ऐसे आएगा. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटिव पर्सन आएगा. जैसे आई, मी हुआ, अस हुआ, आवर हुआ आदि. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते समय एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के तुरंत बाद में लिखा जाता है. जैसे सी गेव मी ए बुक, सी गेव मी ए बुक. अब अपन इसमें पहचान करेंगे एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए तो मैंने क्या बताया था, कोई भी थिंग होगी मतलब कि कोई भी वस्तु हो सकती है. तो यहाँ पर देखो ए बुक क्या है, अपने को डायरेक्ट पता चल रहा है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था कोई भी रिलेटिव आएगा. यहाँ पर देखो मी, आई मी माई होता है तो मी है. तो अब पहले तो इसके दो डबल पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं. पहले तो बनाएंगे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, जैसे ए बुक. अब यहाँ पर देखो टेंस की पहचान करो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है गिव, गेव, गिवन होता है. तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है. चेंज किस में होगा, कंटिन्यूस में. कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर. अब यहाँ पर देखो ए बुक सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, वॉज. A book was, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का give, gave, given होता है, given. अब मैंने क्या बताया था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद में लिखा जाता है. given me by, अब यहाँ देखो C यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मैंने प्रोनाउन संबंधी जो आप लोगों को टेबल बताई थी उसमें बताया था सी इसका सब्जेक्टिव रूप होता है, ही, सी, हर, हर होता है. हर ऑब्जेक्टिव रूप आएगा और रिलेटिव भी हर ही होता है. तो ई बुक वॉज गिवन मी बाई हर, फर्स्ट तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से.
अब सेकंड बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, मी. तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव रूप आई. टेबल बताई थी प्रोनाउन संबंधित, अब मैंने बताया था आई मी माई होता है, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप है, यहाँ बनाएंगे सब्जेक्टिव रूप आ जाएगा. अब वही यहाँ पर देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, वही पास्ट सिंपल है, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में. पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वोजिया वर. तो ए बुक, सॉरी आई, वही है सिंगुलर है तो वॉज. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, वर्ब के तुरंत बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ए बुक बाय हर, यूं का यूं आ जाएगा. ये आपका सेकंड हो गया, ये भी सही है ये भी सही है. दूसरा एग्जांपल है माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज. एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस में बनाना है. अब बनाएंगे तो एक तो इसमें स्टोरीज दिया हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो, और सेकंड है इसमें मी. तो पहले स्टोरीज से बनाएंगे तो स्टोरीज. अब यहाँ पर देखो वही है टोल्ड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंबल. चेंज किस में हो जाएगा, कंटिन्यूस में. तो स्टोरीज यहाँ पर देखो स्टोरीज, वॉज अवर हेल्पिंग वर्ब होती है कंटिन्यूस की, तो यहाँ पर प्लुरल नाउन है, स्टोरी ना देके स्टोरीज है. तो वर टॉल्ड मी, टॉल्ड मी बाय ऑब्जेक्ट से पहले, सॉरी सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया जाए, बाई का. तो बाई माय ग्रैंड मदर. अब सेकंड बनाएंगे मी से, वही है ऑब्जेक्टिव रूप है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई. अब यहाँ पर स्टोरीज तो प्लुरल नाउन था इसलिए वर आया था, अब आई यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज. आई वॉज टॉल्ड स्टोरीज बाय माय ग्रैंड मदर. ये हो गया आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला. इसमें आप दोनों से बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों से बनाया जा सकता है. अब आगे इंट्रोगेटिव. अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? इंट्रोगेटिव अगर एक्टिव हो इसका कोई वाक्य इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाता है? इंट्रोगेटिव दो प्रकार से होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव तो जो अपनी जितने भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है उनसे होगा, और डब्ल्यू एच वर्ड से दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव, उसमें डब्ल्यू से और एस से जिससे भी इंट्रोगेटिव होता है वो वाले आते हैं. तो इसका इसको बनाने के नियम है, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस भी अपन हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है. इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी इंट्रोगेटिव से ही शुरू होगा. तो फर्स्ट रूल हो गया इसका, अगर हेल्पिंग सॉरी अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है तो उसकी
पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगी, मतलब कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी। इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस का वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी इंट्रोगेटिव ही रहेगा। बाकी नियम शेष वो की वो रहेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डू यू नो माई नेम। एग्जाम्पल है, साफ साफ दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव है। डू हेल्पिंग वर्ब दी हुई है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की। इसको बनाएंगे तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही इंट्रोगेटिव होगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई नेम। तो माई नेम को यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, टेंस पास्ट सिंपल है, चेंज किस सॉरी प्रेजेंट सिंपल है, चेंज किस में हो जाएगा, कंटिन्यूस में। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज में लिया जाता है, इज। तो ये हो गया इज माई नेम। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, नॉन इज माई नेम, नॉन इज माई नेम नॉन। अब ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, बाय का यू, और ये ऐसे कैसे इंट्रोगेटिव रहेगा। तो आप लोगों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गई है, इज माई नेम बाय नॉन बाय यू। सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड में डू यू सॉरी डिड सी साय स्नेक इन द रूम, डिड सी डिड सी सी ए स्नेक इन द रूम। एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वही है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए स्नेक, अब यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, किसकी है, पास्ट सिंपल की, चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज या वर। अब यहाँ देखो ए स्नेक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ क्या आएगा, वॉज ए स्नेक। अब यहाँ पर देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉरी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो सी सा सीन होता है, सीन इन द रूम। अब ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई। अब सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी हर हर होता है, तो हर हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसे कैसे आ जाएगा। तो आप लोगों का सेंटेंस बन गया, वाज ए स्नेक सीन इन द रूम बाय हर। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।